वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इग्नू वाला चैनल पर। और यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट क्लास रेगुलर दी जा रही है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का कंटेंट पूरे ही आपके यूट्यूब पर नहीं है। इकोनॉमिक्स को कोई नहीं पढ़ाना चाहता, जो पढ़ा भी रहे हैं वो केवल ऐसा कह सकते हैं टाइम काट रहे हैं, दे आर किलिंग द टाइम ओनली, लेकिन कोई भी कंटेंट को नहीं पढ़ा रहा है, कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर रहा है। इसलिए मेरे पास सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कुछ सब्जेक्ट कोड को लेकर। जैसे आज का एक सब्जेक्ट कोड जो मैंने उठाया है, ये है कुछ सेकेंड ईयर के बच्चों की बार बार डिमांड आ रही है कि सर आप बी सी सी 131 तो पढ़ाए जा रहे हो, लेकिन हमें दे दो तुम बी सी सी 134 की क्लासेस दे दो, थोड़ा सा इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दो मेरे भाई। तो बी सी सी 134 है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का है मेरे भाई। किसका सब्जेक्ट है ये? मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है। और ये जो है आपका ज़्यादातर मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे अंदाजा है, ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट कोड होने वाला है। और इसके पेपर की अगर मैं बात करूँ तो मेरे भाई, इसका पेपर भी आपका 12 जून को होना है, यानी कल इसका पेपर होना है। तो देखिए, इसका सिलेबस तो आपको नहीं कराया जा सकता। अगर आपको सर इसका सिलेबस करा दीजिए हमें, तो ये तो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं इसके टोटल 4 ब्लॉक है। कितने ब्लॉक है मेरे भाई? इसके टोटल 4 ब्लॉक है। हर ब्लॉक की किताब मैं आपके सामने खोल के उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा सकता हूँ आपको, अगर आप सहमत हो मुझसे तो। 4 वीडियोस में आपके लिए, 4 क्लासेस में आपके लिए बना सकता हूँ, जिसमें मैं चारों ब्लॉक के क्या कर सकता हूँ, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर सकता हूँ। अगर आप चाहेंगे कि हाँ सर, आप कहेंगे कि सर आप यही करा दो, इनफ होगा, तो मैं इस आगे की क्लास लूँगा। तो आप जल्दी जल्दी कमेंट करना इस वीडियो पे, तभी मैं आगे क्लास लूँगा। आज की क्लास में ब्लॉक फर्स्ट पर डिस्कस करूँगा आपसे। ब्लॉक फर्स्ट है, इसमें कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कल आपके एग्जाम में आने वाले हैं मेरे भाई। कौन कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कल एग्जाम में आने वाले हैं। सब्जेक्ट कोड अपना याद रखना, बी सी सी 134। चलिए मैं ब्लॉक को खोल लेता हूँ आपकी किताब को, और सोचने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके होने वाले हैं। ओके, एक मिनट लेगा बस ये, उसके बाद हम शुरू करते हैं। देखिए, जो ब्लॉक फर्स्ट है आपका, ये इकोनॉमिक्स का आपकी बुक होने वाली है। और इकोनॉमिक्स में ना सबसे जरूरी ये होता है, सारा पढ़ना जरूरी नहीं होता, ना सारा पढ़ने का हमारे पास टाइम होता है, हमें चाहिए नॉर्मल सी गाइडेंस। नॉर्मल सी गाइडेंस से हमें मिलेगा क्या? हमें नॉर्मल सी गाइडेंस से पता चल जाएगा कि केवल इतना पढ़ के भी अगर मैं जाऊँगा तो पास हो जाऊँगा। तो मैं आपको केवल यहाँ पर वही टॉपिक हाईलाइट करूँगा जो आपको बुक में से पढ़ के जाने हैं। जो टॉपिक आपको बुक में से नहीं पढ़ने, तो वो क्यों पढ़ के जाने हैं? फॉर एग्जांपल, जो इंपॉर्टेंट ही नहीं है उन्हें क्यों पढ़ोगे आप? वो टॉपिक पढ़ के जाओ ना भाई, जो पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर में रिपीटेड है। और मैंने इतने क्वेश्चन पेपर 16 बच्चों को करा रखे हैं कि मुझे इस चीज़ का अंदाजा तो मेरे भाई लग ही गया है कि कौन से टॉपिक पिछले 3 साल से लगातार आ रहे हैं और कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही कबाड़ा है, जिनको आपको पढ़ना ही नहीं है। तो चलिए एक एक ब्लॉक को शुरू करते हैं। यह है हमारा आज का पहला ब्लॉक जो अभी आपके सामने खुलेगा। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अगर आप रिटर्न फॉर्म में सोल्व नहीं कर रहे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप सोचे केवल सर पढ़ के काम चला लूंगा, तो इससे बात नहीं बनने वाली मेरे भाई। जो टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा पॉइंट वाइज, जैसे ब्लॉक खुलेगा, तो आप एक बात नोटिस जरूर करना कि मैं आपको ये भी बता दूंगा कितनी बार ये क्वेश्चन पेपर में देखा गया है प्रश्न। डन, तो ये बात आपको याद रखनी है। सब्जेक्ट कोड अपना याद रखेंगे, आपका सब्जेक्ट कोड कौन सा भाई? बी सी सी 134 दिख रहा है ना, बी सी सी 134 समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत भाग 2, और सेकेंड ईयर का ये पेपर होने वाला है। डन मेरे भाई। चलिए अब बात करते हैं, हम सबसे पहले इस ब्लॉक की बात करते हैं। ब्लॉक है आपका फर्स्ट, ये फर्स्ट ब्लॉक है। ये 4 ब्लॉक में आपको कराऊंगा। पहले ब्लॉक में 3 यूनिट है, तीनों यूनिट अभी इस क्लास में करा दूंगा मैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड ब्लॉक में भी 3 यूनिट है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लास्ट के 2 ब्लॉक होने वाले हैं। एक तो ब्लॉक थर्ड, एक ब्लॉक फोर्थ। आपको उम्मीद है साफ साफ दिखाई दे रहा होगा ये, है ना? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि आपको साफ साफ दिखाई दे भी रहा है मेरे भाई या नहीं दे रहा। अगर ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि बिल्कुल सर साफ साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है। तो जो लास्ट के आपके 2 ब्लॉक आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, और आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ब्लॉक फर्स्ट। आज की क्लास में मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाला हूँ भाई? ब्लॉक फर्स्ट डिस्कस करूंगा, क्योंकि ब्लॉक फर्स्ट में से भी बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं मेरे भाई जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिले हैं। चलिए करते हैं क्लास को शुरू। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ मेरे भाई कि हर 3 यूनिट है, 3 यूनिट में से मैं आपको 3-3 क्वेश्चन बताऊंगा। केवल कितने क्वेश्चन मेरे भाई? 3 क्वेश्चन बताऊंगा। उन्हीं टॉपिक्स को आप वहां पर पढ़ के जाएंगे, उन्हीं टॉपिक्स को क्या करेंगे मेरे भाई? आप पढ़ के जाएंगे। डन, देखिए कैसे। सबसे पहले तो आप पहली यूनिट को फोकस कीजिए। ये पहली यूनिट आपको साफ साफ दिखाई दे रही है, मैं इसको थोड़ा सा और आपके लिए जूम कर देता हूँ। ये पहली यूनिट पर फोकस कीजिए आप, ये पहली यूनिट। पहली यूनिट की बात करें तो ये ब्लॉक फर्स्ट की आपकी पहली यूनिट है। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से होने वाले वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट यूनिट की अगर बात करें तो ये कोई टॉपिक नहीं है पढ़ने के लिए, उद्देश्य नहीं पढ़ना होता, विषय प्रवेश नहीं पढ़ना होता। सबसे पहले आपको पढ़ना है वस्तु बाजार क्या होता है।
वस्तु बाजार क्या होता है, वस्तु बाजार पे क्वेश्चन बना लेना, 100% एग्जाम में क्वेश्चन आता है वस्तु बाजार। और इसके अंदर दो पॉइंट आप पढ़ेंगे कि ब्याज की दर और निवेश से वस्तु बाजार पर क्या इफेक्ट पड़ता है, सकल मांग क्या होती है और ब्याज दर आज से पूछा जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस केवल 10% है, लेकिन आप इसे एक बार रफली पढ़ के जाएंगे एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन अगर आएगा तो मैक्सिमम 10% चांस है मेरे भाई। इसके अलावा अगर बात करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ आपके लिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको थोड़ा फोकस करेंगे आप, ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निवेश बचत वक्र, जिसे हम कहते हैं IS वक्र, IS वक्र पे अगर क्वेश्चन ना आए ना भाई मुझे बता देना आके, जिसे हम कहते हैं निवेश बचत वक्र, 100% आना इस पर क्वेश्चन कि निवेश बचत वक्र क्या होता है, निवेश बचत वक्र क्या होता है, निवेश बचत वक्र डन, इसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है, कैसे इसकी रचना की जाती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। जो मेरे भाई बार बार पूछ रहे थे ना सर केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, यही क्वेश्चन है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है कि निवेश बचत वक्र की उत्पत्ति कैसे होती है, इसका ढलान कैसा होता है और इसकी स्थिति बताइए कैसी होती है, ये एक ही क्वेश्चन है, इस पूरी यूनिट में एक ही क्वेश्चन आना है, निवेश बचत उत्पत्ति वक्र याद रहेगा मेरे भाई, ये एक क्वेश्चन बताया एक यूनिट में से एक क्वेश्चन, अगर ना आए ना भाई सच बता रहा हूँ मैं आके कमेंट में तुम चार गाली बक सकते हो अगर ये क्वेश्चन ना आए, 100% आना ये क्वेश्चन। कारण क्या, मैं पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर में रिपीटेड देख रहा हूँ ये क्वेश्चन, कौन सा, निवेश बचत वक्र की व्युत्पत्ति कैसे होती है, ढलान कैसे होता है और स्थिति कैसी होती है, एक क्वेश्चन के लिए मेरे भाई। चलिए तो ये तो हो गई आपकी यूनिट फर्स्ट, अब हम चलते हैं इसको थोड़ा अनजूम करके हम चलते हैं डायरेक्ट अपनी सेकंड, देखिए कॉन्सेप्ट में अभी आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी केवल आपको मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, सेकंड यूनिट पर हम चलते हैं, टाइम मिलेगा तो क्वेश्चन भी पढ़ाए जाएंगे। लो भाई सेकंड यूनिट, टोटल 3 यूनिट है, सेकंड यूनिट पर अब तुम आ गए, सेकंड यूनिट पर बात करता हूँ, बताता हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आपके बनने वाले हैं। देखिए सेकंड यूनिट पर आपको याद रखना है मेरे भाई, यहाँ पर 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, एग्जाम में हर बार आते हैं, ये ब्लॉक फर्स्ट चल रहा है आपका सेकंड यूनिट, ये आपको नहीं पढ़ना है, उद्देश्य नहीं पढ़ना है, विषय प्रस्ताव नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है वास्तविक और मौद्रिक मांग में क्या अंतर होता है, वास्तविक और मौद्रिक मांग में क्या अंतर होता है मेरे भाई, ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस केवल 50% है, लेकिन अगर मैं बात करूं मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति तो इसके आने के चांस केवल 10% है, थोड़ा रफली आप इसको पढ़ लेना। लेकिन ये जो एक कॉन्सेप्ट आपको दिखाई दे रहा होगा ना, अब मैं बताता हूं इसका वो क्वेश्चन जो 100% एग्जाम में आता है, दैट इज LM वक्र, LM वक्र का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखने के लिए मिल रहा है भाई, इस पर लगाओ स्टार और इसे डालो अंदर द बॉक्स, इसे लिख लो भाई, ये हो गया आपका आज का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तो मैंने आपको कौन सा बताया अभी बताया मेरे भाई IS वक्र वाला और LM वक्र वाला क्वेश्चन, अगर एग्जाम में ना मिले तब मुझे आकर बता देना, यही वो क्वेश्चन है जो आपको पास कराएंगे ब्लॉक फर्स्ट में, याद रहेगी इतनी सी बात मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको। LM वक्र का भी वही पूछा जाएगा, ढलान कैसा होता है और इसकी स्थिति कैसे होती है, ढलान और स्थिति आपसे पूछी जाएगी, ये दोनों बुक में से पढ़ लेना और इनके प्रॉपर नोट्स बना लो आप, भले ही समझ में ना आए, देखिए हर चीज समझ में आ जाए दुनिया में, वही वाली बात आ गई ना कि अगर सब कुछ समझ में आ जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी पढ़ाई तो हमसे पढ़ने का मजा देगी ना तुम्हें, तो हमसे पढ़ रहे हो ना क्यों, क्योंकि कुछ अधूरी पढ़ाई आपने कर रखी है। आप कहोगे सर ताने मार रहे हो, भाई ताने नहीं मारा, एक तो आप पहले से लेट, ऊपर से आप सोच रहे हो हर चीज आपको समझ में आ जाए, भाई मेन क्वेश्चन पढ़ लो जो मैं बता रहा हूँ, 2 क्वेश्चन बता चुका हूँ तुम्हें, अब तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलो, 2 क्वेश्चन क्लियर, 3rd क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे भाई, 3rd क्वेश्चन जो मिलेगा आपको वो मिलेगा यूनिट 3 में, डायरेक्ट पहुंचो यूनिट 3 पे, ये यूनिट के वाइज बता रहा हूं मैं आपको टॉपिक वाइज डन। चलो अब आ जाते हैं हम अपनी 3rd यूनिट पे, यूनिट नंबर 3 आपको दिखाई देगी होगी, ये ब्लॉक फर्स्ट की यूनिट नंबर 3 है ना, इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपको वहां देखने के लिए मिलता है एग्जाम में, इस पर थोड़ी सी बात करने की कोशिश करते हैं। इनमें से आपको वहां पर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, मैंने अभी आपको बताया था कि यह नव पारंपरिक संश्लेषण, इस यूनिट में से मैंने आपको बताया जो ब्लॉक फर्स्ट है आपका, सब्जेक्ट कोड तो मैं आपको फिर रिवाइज कराता हुआ चलूंगा ताकि आप भूले ना, BCC 134 ये चल रहा है और ब्लॉक फर्स्ट में आपकी टोटल कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है, कितनी यूनिट है मेरे भाई, 3 यूनिट है, ये बात आपको याद रखनी है। इन 3 यूनिट में से एक तो पहली यूनिट में मैंने आपको कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, IS वक्र मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दूसरी यूनिट में आपको मैंने कौन सा क्वेश्चन बताया, LM वक्र, कौन सा क्वेश्चन बताया, LM वक्र, तीसरी यूनिट में से कोई भी खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा जिसको आपको पढ़ना है, थोड़ा सा आपको जिसको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको, संतुलन और समायोजन कैसे होता है, संतुलन या समायोजन, इसके आने के चांस 50-50,
फिफ्टी फिफ्टी इसके चांस होते हैं, कई बार आता है और कई बार नहीं भी आता। लेकिन यहाँ का क्वेश्चन कई बार टिप्पणी में आ जाता है कि कैंजियन और विचारीय क्षेत्र, जो पारंपरिक संश्लेषण में कैंजियन विचारधारा क्या है, क्योंकि आपको पता है कैंजियन जो थे अर्थशास्त्री थे, तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार 80% आ सकता है, वरना तीसरी यूनिट आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, पहली और दूसरी यूनिट इंपॉर्टेंट होती है। तो ये तो था आपका ब्लॉक फर्स्ट, ब्लॉक फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब आप इनकी करिए मेरे भाई प्रैक्टिस। अभी आपके लिए सेकेंड वीडियो जो मैं बनाऊंगा दैट विल बी ऑफ ब्लॉक सेकेंड। तो आज के लिए केवल इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार मेरे भाई।